जींद सिटी थाना पुलिस ने जवाहर नगर शमशान घाट के पास स्थित बेस्ट टिफिन पैकिंग सर्विस एंड गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर वेश्यावृत्ति के आरोप में 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को काबू किया है। रेस्टोरेंट में टिफिन सर्विस की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने संचालक दिनेश और उसकी पत्नी वासी जवाहर नगर जींद सहित 7 लोगों को मौके से पकड़ा। थाना प्रबंधक निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हांसी ब्रांच नहर के निकट शमशान घाट के पीछे टिफिन सर्विस की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर महिला इंस्पेक्टर दर्शना देवी के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर रेस्टोरेंट में भेजा। रेट तय होने के बाद इशारा मिलते ही पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारा तो काउंटर पर बैठे संचालक दिनेश और उसकी पत्नी को काबू किया गया। कमरों में तलाशी लेने पर वहां 2 लड़के और 2 लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। वहां पर 3 महिलाएं और भी मिली। उन्होंने बताया कि शहर थाना पुलिस ने पकड़े गए 7 लोगों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वह रेस्टोरेंट संचालक दिनेश वासी जवाहर नगर को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हमें कल सूचना मिली थी कि टिफिन सर्विस एंड गेस्ट हाउस के आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा किया जा रहा है। जिस सूचना पर माननीय एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजर ने द्वारा टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद उस पर रेड की गई, जहां पर हमें वहां पर 4 महिलाएं और 3 पुरुष मौके पर मिले हैं, जिनको हमने इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। तो सर, ये संचालक के कितने थे, इनकी पत्नी भी है, कैसा भी है वहाँ पर? गेस्ट हाउस में पति पत्नी हैं, जो दोनों संचालक हैं, और 2 कस्टमर थे और 3 महिलाएं थी। सर, लगातार जिन पुलिस की बात करें ऐसे लोगों पर पुलिस सिकंजा कस रही, पहले भी आपने रेड की थी, क्या कहना चाहेंगे सर, जो जिन जिले में जो ये वेश्यावृत्ति का धंधा है लगातार फूलता फूलता जा रहा है, किस तरीके से लोग रोक लगा पाएंगे? इससे पहले भी हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सपा की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा किया जा रहा है। उसमें भी हमने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए करीब 8 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था, महिलाओं को अरेस्ट किया था। जो भी इस तरह कार्य करता है, कार्य कर रहे हैं, पुलिस उनको सख्ती से निपट रही है।